हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ पेटीएम से गोल्ड कैसे सेल करते हैं। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाई हूँ, उस वीडियो में है पेटीएम से गोल्ड बाई कैसे करते हैं। तो अगर आप पेटीएम से गोल्ड बाई नहीं करना जानते हो तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से वो वीडियो देख के आप पेटीएम से गोल्ड बहुत ही आसानी से बाई कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में पेटीएम से गोल्ड कैसे सेल करते हैं यही बताने वाली हूँ। तो इसे जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आई हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका फ़ायदा ले सके। और एक बात फ्रेंड, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, पेटीएम ऐप ओपन करने के बाद आपको पेटीएम होम पे ही दिखने को मिल जाएंगे गोल्ड की ऑप्शन। तो सिंपली मैं गोल्ड की ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ। गोल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इंटरफेस ऐसे आएंगे। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो सिंपली आप गोल्ड सेल करना चाहते हो तो सिंपली आप क्लिक करने के बाद तो आप यहाँ पे देख सकते हो टू ऑप्शन, सेल इन अमाउंट एंड सेल इन ग्राम्स। तो अगर आप अमाउंट पे ये गोल्ड सेल करना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो, अगर आप ग्राम्स पे ये गोल्ड सेल करना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो। अगर आप अमाउंट पे एक गोल्ड सेल करेंगे तो आपको पूरा पैसा नहीं मिलेंगे, कुछ पैसा गोल्ड पे ही रह जाएंगे। अगर आप सेल इन ग्राम्स पे एक गोल्ड सेल करेंगे तो आपका जो पैसा है ना पूरा का पूरा ही मिल जाएंगे आपकी अकाउंट पे, बैंक अकाउंट पे। तो मैं सिंपली सेल इन ग्राम्स को चूज़ कर लेती हूँ। फिर सेल इन ग्राम्स को चूज़ करने के बाद यहाँ पर जो ग्राम्स का दिया हुआ है सिंपली वो टाइप कर देनी है। तो मैं सिंपली टाइप कर देती हूँ 0। टाइप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो अमाउंट है 97.33 तब के रखी हूँ 105 रुपीज़ के। तो मुझे वो 105 रुपीज़ पूरा का पूरा बैलेंस नहीं मिलेंगे, 3% GST चार्ज देनी है। तो 3% GST चार्ज कटने के बाद मुझे इतना ही मिलेंगे। तो मैं सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देती हूँ। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट नंबर देनी है। तो अकाउंट नंबर पे आपको पहले देनी है 91, फिर आप जो पेटीएम पे आपका जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है सिंपली आपको वही नंबर डाल देनी है, जो है वही नंबर डाल देनी है। फिर आपको यहाँ पे कॉन्फर्म अकाउंट नंबर दे देनी है। फिर आपको जो पेटीएम पे नेम दिया हुआ है, जो आधार कार्ड से आप नेम आपका अकाउंट में दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है, और IFC में आपको टाइप कर देनी है कैपिटल में PYTM01234567। तो जब आप टाइप कर देंगे तो आपको जो ये है ना IFSC कोड आपका वेरीफाइड हो जाएंगे अकाउंट नंबर है। बाकी का जो अकाउंट नंबर है मैं वो सब डाल देती हूँ। फिर आपको प्रोसीड टू सेल पे क्लिक कर देनी है। तो मैं सिंपली क्लिक कर देती हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेट करने के लिए बोलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैं गोल्ड सेल करी वो सक्सेसफुली सेल हो गई है। तो ये वीडियो यहीं तक की थी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।